बचपन बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और हाजिरीन की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं पिछली नशों पर बैठे हुए हमारे मेहमानों को गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग आगे ही जाने आ जाए तो बाद में आने वालों के लिए काफी सहूलत होगी और वो पीछे ही जाने बैठ जाएंगे। आप खातन और बच्चियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आगे ही जाने आ जाए। हमारे मोहतरम मेहमान मशीन लाते हैं, मैं आप लोगों को आंदोलन से जारी तरफ लाए।
जबरदस्त और तारीफों वाले अल्लाह की तरफ, जिस अल्लाह का है जो आसमानों और जमीन में है और कामिलों के लिए तो सब तादाद की खराबी है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़पन पैदा करना चाहते हैं, यही लोग पतले दर्जे की गुमराही में है। हमने हर हर नबी को इसकी कौमी जबान में ही भेजा है ताकि इनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब अल्लाह ताला जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह निकाल दे, वो गलबा और हिम्मत वाला है। उसी के जिक्र से मेरा बंदगी होगी, उसी के जिक्र से मेरा बंदगी होगी, उसी की बात से तकबीर आरज़ू करना, उसी के नाम है मुकद्दस तमाम तारीफें, उसी के नाम है मुकद्दस तमाम तारीफें, उसी के नाम से आदर गुफ्तगू करना, आज हमारे पूरे शहर के लिए, हमारे अपने इस हॉल में जो शख्सियात गौरवपूर्ण हैं, शहर मानवों के लिए ये लम्हा ये वक्त किसी नेमत से कम नहीं। मैं न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि हमारे इस हॉल में मौजूद तमाम हाजरी की जानिब से और अहलियाने शहर की जानिब से, बैरून शहर से तशरीफ लाए हुए तमाम ही मौजूद मेहमान का अल्लाह का पैगाम जो है वो आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में सरगर्दा है।
प्रोग्राम की रफ्तार बयान करना चाहूंगा कि इसका जो मकसद है और इसकी जो रफ्तार है वो यही है कि हम तमाम लोग जो है वो अल्लाह की किताब को नज़्म ब नज़्म पढ़ना और उसके मानी और मतलब को समझना सीख जाए। और आप हजरात के सामने जो शख्सियत यहाँ पर जो मौजूद है ये इस काम में बहुत ही अरसे के साथ है, बहुत ही ईमान के साथ जो है लगी हुई है और तकरीबन 200 घंटों में मुकम्मल कुरान मजीद को ये माँ तर्जुमे के आप लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और ये काम एक अरसे से जारी गुजारी है जहाँ पर मैं हमारे मौजूद मेहमान का तारुफ पेश करना चाहूंगा, वही पर मैं ये भी चाहूंगा कि मैं आपको उस शख्सियत से मुताबिक कराऊं जिसके लिए मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। उस शख्सियत का नाम है नामी सुग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम पारी साहब हैं, जो कि आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनके काम को और उनके काज को आगे बढ़ाने वाली ये टीम और उनके जो इसर दादे हैं आज हमारे स्टेज पर जलवाबार हैं, जलवाबरोज हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौलाना अब्दुल करीम पारी साहब एक इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं और न सिर्फ आप इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं बल्कि उसे न सिर्फ उर्दू में बल्कि अरबी हिंदी और गुजराती जबानों में भी उसे यहाँ पर लाया। आप इन तमाम जबानों पर महारत करते थे, मराठी जबान पर भी आपको उर्दू पर भूषण के बाद आपका शख्सियत है मौलाना अब्दुल करीम पारी साहब और उनके साहबजादे मुअल्लिमुल कुरान मुहतरम अब्दुल गफूर पारी साहब, जो पहले ऐसी बात है कि हमें और एक तबीयत अफसोस हम हर किसी को जो है दुनिया से जाना है और बड़े अफसोस हम मानते हैं कि मौलाना अब्दुल गफूर पारी साहब जो है वो अभी दुनिया में नहीं है। और आप मुल्क बैरून मुल्क में कुरान की तालीम और कुरान को लफ्ज और लफ्ज समझाने की कोशिशों में सरगर्म है और आपने कुरानिक अरबी क्लासेस का बाकायदा आगाज किया और यही मकसद और यही काज आज के इस प्रोग्राम का भी मकसद है जो हमारे इंतहाई अहम और
नागपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दीगर बड़े शहरों में आपकी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी हो रही है। मैं हमारे तीन मेहमान का जहाँ तारुफ पेश कर रहा हूँ, वहीं पर मैं गुल पेशी की रस्म अदा करना चाहूंगा। मैं मसूद रमजान के घर से आपको गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ ले आए और हमारे आज के मौजूद मेहमान मोहतरम अब्दुल गफूर साकिब अब्दुल गफूर साहब की खिदमत में गुल और तोहफा पेश करके आप उनका इस्तकबाल करें। उन्हीं के बारे में तशरीफ रखने वाले शख्सियत मोहतरम डॉक्टर कामरान खान साहब हैं। आप सीनियर सर्जिकल कोर ऑफिसर हैं और इम्तियाज आला तालीम याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं। सैफी हॉस्पिटल में एक अरसे से आप टिब के शोबे से जुड़े हुए हैं और इंतहाई महारत के साथ जो है वो कैंसर का इलाज बड़े अहम जिम्मेदारी समझकर उसे अंजाम दे रहे हैं। आप उसमें महारत रखते हैं इस इलाज में और बहुत ही नए और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैं आप तभी और इस्तेमाल करता हूँ, मैं एक बार फिर जमा दूंगा मसूद रमजान पेटर साहब को क्योंकि इज्जत में कुल और तोहफा पेश करके उनका इस्तेमाल करें। ये शख्सियत वो के तारुफ की मोहताज नहीं है लेकिन इनका तारुफ इतना वसी और इतना जामे है कि अगर मैं तारुफ पेश करता रहूं तो शायद शाम का 6 बज जाए, लेकिन मैं यहाँ पर बड़े इंतजार से काम ले रहा हूँ। और उन्हीं के पाए जाने तस्वीर रखने वाली शख्सियत मोहतरम इंजीनियर हामिद बिन खालिद कुरैशी साहब हैं। आप 37 साल तवील गवर्नमेंट की खिदमत से सुदोष में हैं और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में आप अपनी खिदमत पेश की है। यानी ये जो शख्सियात है ये बहुत ज्यादा दीनी और इस्लामिक तालीम याफ्ता शख्सियात है। ये अपने गांवों में अपने शब्द में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं लेकिन बस जो दिल में समा गए इनके और जो दिल रोशन हुआ इनका वो चाहते हैं कि इस रोशनी से पूरी कौम मुस्तफीद हो। मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में तमाम हवाल का तारुफ पेश कर रहा हूँ। मैं एक मतलब फिर जहमत दूंगा कि हमारे इंजीनियर हामिद बिन कुरैशी साहब की खिदमत में कुल और तोहफे का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। आप कई अदारों से जुड़ी हुई शख्सियत हैं और बहुत ही एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई अदारों में आप अलग अलग सेक्रेटरी के मौके पर फायल हैं। बहुत ऐसा तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और ये तमाम शख्सियात जो है वो पुरानी अरबी क्लास के ऑनलाइन और ऑफलाइन कर्स पर जो है अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे मोहतरम सलाहुद्दीन सर हैं, आप भी बैरून शहर से तशरीफ लाए हुए हैं और पुरानी अरबी क्लासेस में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं एक बार फिर मसूद रमजान पेटर साहब को गुजारिश करता हूँ कि आपकी भी खिदमत में गुल और तोहफा पेश करके आप इस्तकबाल करें। उनके बाद मोहतरम अमित मोहम्मद फारूकी साहब हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से सुदोष हैं, मतलब उसी में काम करते हुए आपने अपनी जिंदगी का बेशतर अक्सर गुजारा है। आप IFS भी हैं। मैं मसूद रमजान पेटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अदाय कर उनकी भी खिदमत में गुल और तोहफा पेश करके उनका इस्तकबाल करें। और हमारे असलम साहब जो है वो जाने तशरीफ रखते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं और पुरानी अरबी क्लास के आप बहुत ही अच्छे तरह से मुअल्लिम हैं। हालांकि मेरी गुफ्तगू में आप तमाम लोगों ने इस बात का इजहार किया कि हम कोई मुअल्लिम नहीं है, हम कोई टीचर नहीं है, हम अपने आप को एक तालिबे इल्म जानते हैं और यही इनकी खासियत है, यही इन लोगों का तारुफ है कि शायर ने कहा है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं तो एक लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं तो एक नायाब के जमाना कदर करो नायाब ना कामयाब है हम। ये वो शख्सियत है जिनकी कदर करना चाहिए और मालिक और शहर को ये एहसास हासिल हुआ है कि आज ये शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं और इन शख्सियात को जब
तब हम उनको जान पाएंगे कि शायद दिलू भी कहा है कि चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो जिस वक्त सभी पढ़ोगे हमें जान जाओगे। आइए हम जानने और समझने का जो सिलसिला है वो दराज करते हैं। मैं आगाज करना चाहूंगा आज के मुहर्रद खुसूसी मोहतरम साकिब अब्दुल गफूर तारिक साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे मधुर मेहमाना भी अगर सामने की नजरों में विराजमान हो जाए तो क्या ही उपयुक्त आएगा जिस वक्त हमारे साकिब तारिक साहब माइक पर अपने खिताब नायाब क्षेत्र में महसूस करेंगे। मैं दिग्गर मुंतजमी से गुजारिश करता हूँ कि कुर्सियां और अगर टेबल भी हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। आप लोगों की समाज के हवाले मुहतरम साकिब तारिक साहब बचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद वफाद आम्मा का आलम बरदार जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी बिल्ली समाजी सकापती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।